हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है हमारे शो पर। आपके फेवरेट सीरियल साथी माना साथिया में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर एक बार फिर से कुमार और सागर ने बहुत घटिया चाल चल दी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गहना मंडप में पहुंचती है, जहां पर शादी का मंडप सब कुछ तैयार हो जाता है और गहना सोचती पता नहीं किसके साथ शादी करवा रहे हैं। और घर वाले भी नाटक करते हैं कि वैसे भी अनंत उससे प्यार नहीं करता तो तुम्हारी शादी किसी और से करवा देते हैं। लेकिन तभी अनंत की एंट्री होती है, वो भी बाइक पर, और उसके बाद वो पर्दा हटाता है जहां पर उनकी शादी का बोर्ड लगा होता है और उसमें गहना और अनंत का नाम लिखा होता है। और ये देखकर गहना काफी खुश हो जाती है और वो उसका सपना था कि जिस तरह से उसका दूल्हा आए। और उसके बाद नहीं, यहाँ पर वो अपने कमरे में होती है जहाँ पर अब उससे माफ़ी मांगते नजर आती है हेमा और हेरन, और उसको कहती हैं कि तेरी पहली शादी में हमने बहुत ही ड्रामे किए थे। और उसको बेचारे को याद आता है, वो दोनों उससे हेमा और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि लेकिन इस बार हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो वही मंडप में शादी की तैयारी हो जाती शुरू और अनंत भी कोई कमी नहीं रखना चाहता और वो मंडप में बैठा होता है और दुल्हन बनकर आती है और कोई और नहीं राधिका। जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाती है, अनंत को पता चल जाता है कि ये गहना नहीं, ये राधिका है। और उसके बाद वो कहता है कि शादी से मैं पहले भी ना थी और अब भी ना। घर वाले शॉक्ड हो जाते और पूछते कि आखिर ऐसा क्यों, तुम गहना को ऐसे धोखा कैसे दे सकते हो। और तभी वो घूंघट उठाता है और वहाँ राधिका होती है और बाह उस पर भड़कती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर फेंक देती है। उसके बाद ने गहना के बारे में पूछते कि गहना का है, और यहाँ पर देखा जाता है हेमा और टीका दोनों ही ढूंढने जाते हैं जहां पर गहना अपने कमरे में बेहोश पड़ी होती है। और अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गहना दुल्हन बनेगी वापस, लेकिन उसके बाद ने सागर और कुमार बहुत ही घटिया चाल चलेंगे और सब जगह बारूद बिछा दिया है। और कुमार को किसी और ने, सागर ने पुलिस वालों को धोखा देकर छुड़वा लिया है और भगा दिया है। और अब गहना भी वहां पर अनंत की जान बचाने के लिए दुल्हन के जोड़े में पहुंचती है और कुमार कहता है अगर एक बटन दबाया तो तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, पूरा घर की मौत हो जाएगी। और उसके बाद ने यहाँ पर परिवार वालों की जान बचाने के लिए ही गहना वहां पर पहुंची है। तो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब गहना की शादी अनंत से कैसे होती है और अब गहना घर वालों की और अनंत की जान कैसे बचाती हैं।